दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कृषि से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियों के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। किसान मित्रों, आज हम बात करेंगे बाजरा की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कुछ प्रमुख कीटों के बारे में। इस कार्यक्रम में हम इनके नियंत्रण के बारे में भी जानेंगे। किसान मित्रों, बाजरा की फसल पर दीमक का काफी हमला देखने को मिलता है। इससे बचाव के लिए फसल की बुआई के समय खेत में कच्चे गोबर का प्रयोग नहीं करें। इसके अलावा फसलों के अवशेषों को भी नष्ट कर दें। बुआई से पहले खेत में नीम की खली 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से मिलाने से दीमक के प्रकोप में कमी आती है। यदि इन उपायों से बाजरा की फसल से दीमक का प्रकोप कम नहीं होता हो तो आप निर्देशानुसार यूरिया बेसियाना का भी छिड़काव कर सकते हैं। यह एक जैव कीटनाशी है। बाजरा की फसल को नुकसान पहुंचाने वाला अगला कीट है सूत्रकृमि। इससे बचाव के लिए गर्मी में खेत की गहरी जुताई करें। इसके अलावा फसल की बुआई के समय विरलीकरण विधि द्वारा पौधे की निर्धारित दूरी भी निश्चित करें। किसान मित्रों, आप चाहें तो रासायनिक उपचार का भी सहारा ले सकते हैं। सूत्रकृमि पर नियंत्रण के लिए बाजरा की बुआई से एक सप्ताह पहले खेत में 10 किलोग्राम फॉरेट 10G फैलाकर मिला दें। इससे फसल पर सूत्रकृमि के हमले की संभावना काफी कम हो जाएगी। किसान मित्रों, बाजरा की बढ़वार की अवस्था में यानी अगस्त मध्य से लेकर सितंबर के मध्य तक फसल पर प्ररोह मक्खी का आक्रमण होता है। इससे बचाव के लिए फसल की साप्ताहिक निगरानी करते रहें। साथ ही कीटों के प्राकृतिक शत्रुओं के संरक्षण पर भी ध्यान दें। इसके लिए शत्रु कीटों के अंडों को इकट्ठा कर बंबू केज कम परचर में डालें। इससे काफी हद तक प्ररोह मक्खी का प्रकोप नियंत्रित हो जाएगा। जबकि रासायनिक उपचार के तौर पर आप फसल पर क्यूनालफास या ट्राइजोफास का भी छिड़काव कर सकते हैं। तो किसान मित्रों, ये था आज का कृषि पिटारा। उम्मीद है ये जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी और आपके काम आएगी। आप सुनते रहिए रेडियो पिटारा। मिस्ड कॉल लगाओ, सुनते जाओ।